अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं सिरे पाए की निहारी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए गाइस, इतना यमी है, इतना टेस्टी, लाजवाब। जो भी खाएंगे आपके दीवाने हो जाएंगे। इस तरह की ये निहारी है और बार बार बनाने के लिए आपको कहेंगे। तो चलिए गाइस, इतना सॉफ्ट मैंने इसे टेंडर कर लिया था और देखिए इसका जो शोरबा है निहारी, वो भी बहुत टेस्टी है। इसे मैंने गरम गरम पराठों के साथ सर्व किया है। बारिश ज़्यादा लगी हुई है हैदराबाद में, तो मैं सोची इस तरह की डिश आपके साथ शेयर करूं। मैंने ये घर पे बनाया था, तो यही डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएंगे। तो देखिए कितनी ये लज़ेदार और कितना टेंडर हो चुका है। तो चलिए हम इसको अच्छे टुकड़ों में कर देते हैं रोटी को, और इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके साथ हम इसे सर्व करते हैं। देखिए इस तरह से, तो इतना टेस्टी, गर्मा गर्म बारिश में लग रहा था। तो आप भी इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ मैंने घर के इंग्रेडिएंट्स लेकर बनाया है, ज़्यादा कोई मसालेदार नहीं, बिल्कुल ईजी तरीके से है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बेहद पसंद आएंगी, चाहे आप इसे बीफ में बनाएं या चाहे मटन में, लेकिन मेथड मेरा यूज़ कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से, इतना यमी और गर्मा गर्म है ये, मुझे तोड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। तो देखिए इतना लजीज, इतना टेंडर। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। देखिएगा इस, चाहे तो आप आपके रेस्टोरेंट मेनू में भी इसे डाल सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ी सी काली मिर्च इस तरह से सर्व कर रही हूँ, जो रेस्टोरेंट में करते हैं, काली मिर्च और नमक। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से आप गर्मा गर्म में अगर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालकर खाएं तो बेहद टेस्ट आता है गाइस। तो सबसे पहले हम सिरे पाए लेते हैं। ये 1 किलो है, यानी पूरा एक सिर सिरे का पीस लिया है मैंने, और 4 पाए इस तरह से मैंने बुचर से कटवा लिया था, और इसे मैंने अच्छे से विनेगर में डालकर धोया है। 10-15 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था नमक के साथ विनेगर में। तो ये अच्छे से नीट हो चुके हैं, तो मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे धोने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये 5 लीटर के कुकर में मैंने बना रही हूँ गाइस, बाद में हम खुले बर्तन में, तो हम 5 लीटर में इसे गला देंगे अच्छे से। तो ये मटन है, तो आपको ज़्यादा इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इसे 15 से 20 मिनट में गला दे सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ताकि इसमें जो स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो अक्सर रहती है, तो वो स्मेल नहीं आएगी, इससे जायका भी अच्छा होगा। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे हम इसमें, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना ये नहीं गलेगा। तो चलिए इसमें हम पानी डालते हैं, 4 से 5 गिलास डाल दीजिए, इसे चढ़ा लीजिए। तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है गाइस, और इसे मैंने 15 से 20 मिनट इसे 5 सीटियों तक छोड़ दिया है। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस इसे हम लिड लगाएंगे और इसे छोड़ देंगे। तो चलिए अब इसे गैस हम स्टोव ऑन करते हैं और इस पर चढ़ा देते हैं। तो चलिए अब इसे हम, 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम कुछ मसाले लेते हैं, गरम मसाले। दो काली मिर्च है, इलायची है हरी, और ये देखिए इधर साइड में जो है बघार के हैं, और इधर साइड में जो है मैंने पीसने को रखा है, यानी राइट साइड के जो है बघार में जाएंगे और लेफ्ट साइड के जो है वो पीसने में जाएंगे। तो काली मिर्च हम इसके साथ गरम मसाले में पीस रहे हैं, और ये जो बघार के लिए है मैंने ये सारे हैदराबादी गरम मसाले ले लिया है, जिसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस कर लिया है, जो ये हम बघार में लेंगे गरम मसाले के साथ। अब इस तरह आगे बढ़ते हैं, और इसमें मैंने पोटली का मसाला लिया, जो हैदराबाद में आसानी से मिलता है। तो देखिए ये फूले चने की दाल है, और मैंने 25 ग्राम इसमें सूखा खोपरा लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है। तो इन्हें इसे अच्छे से एक फाइन पाउडर बना लेंगे, फूले चने और इसका। तो अब ये है देखिए पोटली मसाला, जिसमें मैंने 3 हिस्से किया है, 1 हिस्से मैंने ले लिया है, 1 हिस्सा इसमें से मैंने निकाल कर ले लिया है पोटली मसाले का। और इसके अंदर एक पैकेट आता है, जो हम अक्सर पाउडर आता है जो हम इसमें मिलाते हैं लास्ट में, वो भी मैं बताऊंगी, जो निहारी का मसाला आता है इसके अंदर, ये भी मसाला है।
तो देखिए, अब जो हमने पीसना है वाला मसाला है, इसमें से निकाल लेंगे दालचीनी, शाही जीरा, लौंग, इलायची। अब ये सारी चीज़ें हम बघार में लेते हैं, और काली मिर्च भी मैंने इसमें डाला है। तो देखिए, अब ये अच्छे से गल चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो देखिए, एकदम से टेंडर सॉफ्ट बनकर ये रेडी हो चुका है। तो एक बर्तन लीजिए, चाहे आप खुला वाला हो या आप पतीला भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने एक लगन के तौर पे मैंने लिया है, इसमें मैंने घी डाला है और ऑयल। तो वनस्पति घी इसमें कंपलसरी जाता है, अक्सर यहाँ पर यही यूज़ होता है हैदराबाद में निहारी में। तो चलिए, इसमें हम 100 ग्राम ऑयल डालेंगे, 50 ग्राम इसमें वनस्पति घी डाले हैं। तो इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। अब इसमें साबित मसाले डाल देंगे, जो हैदराबादी मसाले हैं। तो अब इसमें जाएगा ये प्याज, इसे अच्छे से हम ब्राउन कलर यानी रिश्ते जैसा बना देंगे। इसे अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए गाइस। अब इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, जो बेसिक मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, नमक लिया है स्वाद अनुसार, यह है हरा मसाला हैदराबादी यानी हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, एक एक बंच ले लीजिए। और यह है जो हमने गरम मसाला पीस कर रखा है अभी, जो मैंने बताया था काली मिर्च के साथ। यह है थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च साबित नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने इसे कुचल कर डाल रही हूँ। और साइड में आपको दिख रहा है पोटली मसाला, ये पोटली मसाला है, इसे मैं पोटली नहीं बनाऊंगी, फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, हमने जो खोपरा और फुले की दाल थी, हमने ये पीस कर रख दिया है, यानी ये 100 ग्राम है। और मैंने 150 ग्राम गेहूं का आटा लिया था। अब देखिए, हमारी प्याज भी अच्छे से इधर फ्राई हो चुकी है। तो ये इस स्टेज पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून भर कर इसमें लगेगा। तो चलिए, इसे हम अच्छे से मिक्स करके कच्ची स्मेल जाने तक इसमें फ्राई कर लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ गाइस। तो अब इसमें जाएगा ये पोटली मसाला, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। झटपट बनने वाली आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट भी आया था, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आया था। तो ये फ्राई हो रहा है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी मिर्च। अब देखिए, मैंने ये लहसुन को साबित कूट लिया है, ये तो रात में प्रोसेस कर कर रखते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे, इसे अच्छे से पकने के बाद हम छोड़ देते हैं, ये भी हमें काम आएगा। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट, ये ऑप्शनल है गाइस, चाहे तो आप साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए मैंने ये डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। चाहे तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें ये डाल देंगे हमने नमक, मिर्च, हल्दी का पाउडर, इसे भी थोड़ा अच्छा सा मसाले फ्राई कर लेंगे सारे मसालों के साथ। अब इसमें डालेंगे हमने जो पीस कर रखा था फूले चने और सूखा खोपरे का जो हमने पाउडर बनाया, और गेहूं का आटा जो हमने 150 ग्राम लिया है, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से फ्लेवर भूनना है हमें, 120 मिनट आने तक हम इसे भूनना है। अच्छी सी सूंधी सूंधी खुशबू जब आने लगी, तभी इसमें हम डालेंगे अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने गला कर रखा था, और पानी भी डाल दीजिए इसमें। तो देखिए, अब मैं फर्स्ट पानी डालूंगी 1 ग्लास, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई लम्स ना आए आटे के, और आएंगे भी नहीं। इस तरह से अच्छे से चला दीजिए। अब इसमें हमने जो गलाया था वो मगज डाल देंगे। थिकनेस आप जैसे बाहर से लाते हैं उसी तरह से डालना है गाइस। तो देखिए, ये लहसुन का पानी भी अच्छे से पकने लगा है, जो हमने कुचल कर डाला था छिलके के साथ। तो चलिए, अब इसे भी बुझा देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, पुदीना यानी हरा मसाला। अब डाल देंगे हम जो सिरे पाए का जो हमने गला लिया था, सिरे पाए को वो इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला,
जो हमने कूट कर रखा था। ये अभी लिक्विड दिख रहा है, जब पकते जाएंगा तो ये कंसिस्टेंसी इसकी थिक होते जाएंगी, यानी गाढ़ी होती जाएंगी। अब नमक आपके स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मुझे इसमें कम नमक लगा है क्योंकि हम रोटी में खाते हैं, तो खार ज़्यादा नहीं होना है इसमें। ऑलरेडी ये सिरे पाए खारे होते हैं, तो नमक समझ कर ही डालिएगा। तो देखिए ये पकने लगा है और थिकनेस भी इसकी आने लगी है। अब इसे अच्छे से पकाएंगे हम। कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लिया है मैंने, कम स्पाइसेस से बना रही हूँ और बेहद टेस्टी बना था। बारिश में अक्सर हमें बाहर जाने का मौका मिलता नहीं है तेज़ बारिश में, तो हम क्यों ना बनाएं इस तरह के घर घर का घर में ये जो मसाले हमारे हैं उसी से लेकर इस तरह से बनाइएगा। इतनी वाह वाह हो जाएंगी आपकी कि पूछिए मत। इस तरह की ये डिश बनकर रेडी हुई थी, इतनी यमी, इतनी टेंडर, और खाकर मज़ा आ गया था गाइस बहुत। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। तो अब इसमें हम डालेंगे पोटली मसाला, मसाले का जो रहता है, देखिए ये है निहारी मसाला, एक पैकेट आता है पोटली मसाले में, उसका मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भरकर। और मैंने थोड़ा सा इसमें उसी के साथ में कसूरी मेथी का पाउडर भी मिक्स कर लिया था 1/2 टीस्पून, वो भी इसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छा अरोमा आता है इसका, जैसा कि आपको फील होगा बाहर से आप लाकर खा रहे हैं, मैं वैसे ही बता रही हूँ जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं गाइस। अक्सर निहारी जो रेस्टोरेंट में बाहर ओल्ड सिटी में मिलती है वैसी तरीके से मैं बना रही हूँ। कम मसालों से एक बेहतर डिश, ज़्यादा मसाले नहीं लगेंगे। तो अब देखिए हम थोड़ा सा इसका छिड़काव करते जाएंगे, जब इसे हम 5 मिनट तक पकाना है अच्छे से। तो ये जो हमने लहसुन का पानी बॉईल करके रखा था, अक्सर ये तो 24 घंटे रखना चाहिए हमें, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अभी अभी बनाकर डाली हूँ गर्म पानी से। तो ये हम 2 से 3 बार इसमें छिड़क देंगे 5-5 मिनट में। तो देखिए अभी इसे हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए अब जो भी हम इसमें एक्स्ट्रास है, यानी जो हमने पोटली का मसाला डाला था, वो सारा इसमें हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के साइड कर लीजिए। ये जो भी आपको दिख रहे हैं पोटली मसाले का जो मसाला, अभी हमें काम नहीं देगा। अब इसे निकाल लीजिए इस तरह से, सारे एक बाहर निकाल कर साइड कर लीजिए। तो ये खाते समय आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखना चाह रहे हैं निहारी को, तो आप आटे को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना टेंडर हो चुके हैं, देख सकते हैं हड्डी से गोश अलग हो चुका है, उतना मैंने इसे गला कर पका लिया है। इतनी टेस्टी कि पूछिए मत। तो चलिए इसे हम दम दे दिए हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं, एक डिश आउट करते हैं। तो कितनी यमी और टेस्टी बनकर ये रेडी हो गई है गाइस निहारी। तो जिस किसी भी पसंद आना है तो प्लीज़ गाइस गुड कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी भी मेरा रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गुड कमेंट्स में, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें गाइस, ताकि आपको मेरी हर डिश की नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। तो इतना यमी, इतना टेस्टी, आप गाढ़ा रखना चाह रहे हैं तो और भी गाढ़ा भी रख सकते हैं, आप आटे की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से मैंने अदरक के साथ, अदरक के जो लच्छे होते हैं उस तरह से मैंने देखिए लेमन के साथ इसे सर्व कर लिया है। तो कितनी यमी और टेस्टी लग रहे हैं। खाइए, खिलाइए इस बारिश के मौसम में, अपने परिवार को खुश रखिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल। टेक केयर। बाय बाय।